भरूच में 48 कलाक पूर्वे थयेली अंबिका ज्वेलर्स दुकान में 27,71,000 की लूट आरोपी ने अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पर धरदबोची लेवाया था। भरूच जिला पोलीसे 5 बत्ती अंबिका ज्वेलर्स में 2 सोनियों पर फायरिंग कर 27,46,000 किमतनी 27 सोना चेन निकरेली दिल धड़क लूट ने 48 कलाक में आ गुना भेद उकेली नाख्यो। धोड़े दिवसे भरूच 5 बत्ती पर फिल्मी दृश्यों शूटिंग चालतु हो फायरिंग लूटना दिल धड़क दृश्यों लूटारुओं भागीदार पीछो करने घटना ने पोलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया था। लूटारुओ जाने पोलिस ने धोड़े दिवसे लूट चलावी आपेली चैलेंज आपी होय तेवी चैलेंज ने पोलिसे स्वीकारी 48 कलाक में तमाम 4 आरोपीओ ने पोलिसे झड़पी पाड्या हता, जेमा मुख्य आरोपी आशीष पांडे मूळ रहे जौनपुर उत्तर प्रदेश, हाल परिवार साथे दहेज रहतो हतो, ते परिवार साथे ज्वेलर्स ने त्यां अवारनवार जतो हतो। कोरोना में नौकरी छूटी जवा साथे देवु थई जता रूपया 5 लाख ना देवामांथी बहार निकळवा लूटनो प्लान बनाव्यो हतो। टेक्सटाइल इंजीनियर आशीषे वतन अने सूरत थी मित्रों अजय पांडे, सूरज यादव अने रिंकू यादव ने बोलाव्या हता। 5 बत्ती खाते ट्राफिक क्यारे ओछो रहे छे, पॉइंट पर पोलिस रहती नथी ते जाणी बपोरे 2 कलाके लूट ने अंजाम आप्यो, जेमा ज्वेलर्स निखिल अने महेश पर फायरिंग करी सोनानी 27 चेन किंमत रुपया 27,46,000 की लूट चलावी 3 आरोपी बाइक पर लिंक रोड तरफ, जारी एक हवा में फायरिंग करता मोहम्मदपुरा थी दहेज तरफ नासी छूटो हतो। भरूच जिला पुलिस वड़ा राजेंद्र सिंह चुड़ासमा, LCB, SOG, FSL, डॉग स्क्वॉड, बेलिस्टिक टीम सहित विश्वास प्रोजेक्ट की मदद की समग्र गुना भेद उकेलवा 48 कलाक मेरेथॉन दौड़ योजी अंते सूत्रधार सहित 4 व्यक्ति ने झड़पी पाड़वा नाकाबंदी करी हती। चौक्स माहिती मळता अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन पर सूरत पोलीस, RPF अने जिल्ला पोलीसे स्टेशन पासे सिविल कपड़ामां प्लेटफॉर्म पर विविध टीमो गोठवाई गई हती। जेवी सूरतथी अवध एक्सप्रेसमां आशीष अने बीजो आरोपी कानपुर जवा माटे, ज्यारे अन्य 2 आरोपी बस मार्फते फरार थवाना हता, त्यारे ज अंकलेश्वर रेलवे स्टेशन खाते पहोंचता ज पोलीसे RPF GRP सहित सूरत सिटी पोलिस की मदद की चारे लूटारा उन्हें भागवानो मौको न मळे ते रीते चारे बाजू थी घेरी धरदबोची लीधा था। जेमनी पासे थी सोनानी 27 चेन, 5 मोबाइल, बाइक, पिस्तोल मळी कुल 27,71,000 नो मुद्दामाल कब्जे करी रिमांड मेळवानी तजवीज हाथ धरी हती। गई तारीख 7/9/2020 ना बपोरना 2 वागाना अरसामां भरूच शहरना ए डिविजन पोलिस स्टेशन विस्तारना आवेल 5 बत्ती में सर्कल पर आवेल अंबिका ज्वेलर्स में कुल 4 अजाण्या शख्स इसमों फायरआर्म्स एटले कंट्री मेड पिस्टल साथ ज्वेलर्स शॉप में घुसी ज्वेलर्स शॉपना मालिक निखिलभाई तथा बाजू में आवेली कल्याण ज्वेलर्सना मालिक के जे बने पितराय भाईओ है महेशभाई पर फायरिंग करी गंभीर इजाओ करी पछी बहार आवी सर्कल पर पण डरावाना इरादाथी हवा में फायर करी अने सोना दागीनाओ लूटी नासी गए। जे संदर्भे अमारा IGP श्री बड़ोदरा रेन्जनी सूचना तथा बनावनी गंभीरता जोता स्थल विजिट करी स्थल उपर DYSP श्री भरूच, LCB, SOG, पेरोल फल्लो उपरांत भरूच शहर ए डिविजनना टीमों अने वधारामा नर्मदा तथा बड़ोदरा ग्राम्यमांथी पण LCB, SOGની टीमों आवेली એ તમામને ડોગ સ્કોડ, FSL, બેલેસ્ટિક એક્સપર્ટની મદદથી ગુનાની તપાસ કરવાને માર્ગદર્શન આપ્યું। ત્યારબાદ ગુના સંદર્ભે ગુનેગારોએ ગુનો કરતા પહેલાં રેકી આચરી હશે એવું ચોક્કસ અમારા ધ્યાન ઉપર આવતા રાજ્ય સરકારનો જે મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ છે વિશ્વાસ વિડીયો ઇન્ટિગ્રેશન એન્ડ સ્ટેટવાઇડ એડવાન્સ સિક્યુરિટી એ અંતર્ગત આપણા ભરૂચ શહેરમાં ખૂબ એડવાન્સ CCTV કેમેરા લાગેલા છે, એ મદદથી અમે આરોપીઓનું બનાવ સ્થળે આવવાના એન્ટ્રી એક્ઝિટની તપાસ કરતા હતા। તે દરમિયાન અમને જાણવા મળ્યું કે 1 મોટરસાયકલ ઉપર 2 આરોપીઓ લિંક રોડ થઈ અને બાયપાસ થઈ અને દહેજ તરફ ગયા છે અને 1 આરોપી હોન્ડા એક્સેસ બાઇક ઉપર દહેજ તરફ ગયેલ છે, જ્યારે 1 આરોપી ઝપાઝપી દરમિયાન જ્વેલર્સના માલિકે લોડેડ પિસ્તોલ 1 આરોપી પાસેથી ઝૂંટવી લીધેલ, એની હિંમતને દાદ આપવી જોઈએ, સરાહનીય અને લોકોને ઉદાહરણરૂપ એમને બહાદુરી બતાવી છે એ માટે એમને હું બિરદાવું છું અને એ આરોપી પગે ચાલતા ભાગવું પડ્યું।
तो ये तमामनी अमे शोधखोल करता हता। हाईवे पर नाकाबंदी हती, दरमियान पाले तरफना हाईवे थी इंटीरियर विस्तार में गुना में वपरायेल बजाज प्लेटिनम गाड़ी तथा हेलमेट ए मळी आवेल, जे अमे खराई करता गुना में वपरायेलू जतुं, अने एक आरोपी दहेज गयेल। आ एडवांस जो कैमरा अमरा लागेला है विश्वास प्रोजेक्टना, एनी मदद थी तपास करता अमने गुना में वपरायेल एक वाहनों रजिस्ट्रेशन नंबर मळी आवेल। ए रजिस्ट्रेशन नंबर में चेड़ा करेल छे, पण अमारा जे एडवांस कैमरा की मदद थी ए छुपावी शका नहीं, अने वाहनों नंबर तथा आरोपी नाम मळता अने टेक्निकल सर्वेलेंस की तपास करता आरोपी लोकेशन सूरत खाते मळी आवे, जेथी एलसीबी एसओजी पेलोल फल्लो तथा अन्य टीमों ने अलग अलग टीमों बनावी भरूच दहेज तथा सूरत खाते रवाना करेल। सूरत खाते पहुँचेली अमारी टीम ने आरोपी लोकेशन टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद थी सूरत रेलवे स्टेशन होवानुं मळेल। तुरंत अमारी टीम सूरत रेलवे स्टेशन पहुँची गयेल एलसीबी पीए श्री झालाने नेतृत्व में। त्यां पहोंचता खबर पड़ेल कि आरोपीओ अवध एक्सप्रेस में बेसी ने यूपी तरफ निकली गयेला छे। अवध एक्सप्रेसे सूरत रेलवे स्टेशन छोड़ी दीधेलू। रेलवे कर्मचारी की मदद थी आरोपीओनी एक्जेक्ट डिटेल ट्रेन में मेळवी अने अंकलेश्वर खाते अमारी एलसीबी एसओजी टीमों एक्टिव करी अने अंकलेश्वर आरपीएफ जीआरपी की मदद थी ट्रेन अंकलेश्वर रोकावी कुल बे आरोपीओने त्यां आखी ट्रेन कॉर्डन करी अने रोकावी उतारी अने एनी सर्च करता गुनामां गयेल ओरिजिनल सोनानो मुद्दामाल मळी आवेल। गुनेगारनी विशेष पूछपरछ करता अन्य बे आरोपीओ वेली सवारे सूरतथी बस मार्फते कानपुर जवा रवाना थनार छे एवी माहिती मळता, त्यां जे मैदरपुरा विस्तारमांथी बस उपड़े छे त्यां एरिया कॉर्डन करी अने आरोपीओ बस में बेसवा आवता बीजा बे आरोपीओने पकड़ी पाड़ेल। ए रीते गुनामां जे कुल चार आरोपीओ ए भाग भजवेल, ए तमाम चार आरोपीओ गुनामां वपरायेल एक बजाज प्लेटिना मोटरसाइकल, गुनामां गयेल ओरिजिनल तमाम सोनाना दागीना जेमां 27 चेन ओछा वत्ता वजननी थई अने एनी जे मळी आवेल छे ए हस्तगत करेल छे। जो अमारी टीम थोड़ो समय लेट पहुँची होत तो आरोपीओ बस अने ट्रेन मार्फते कानपुर के यूपी पहुँची जात अने त्यांथी पकड़वा अथवा ओरिजिनल मुद्दामाल मळवो मुश्किल थई जात, जेथी विश्वास प्रोजेक्ट अमारा जिल्लानी टीमों बहारना जिल्लाथी आवेली टीमों आरपीएफ जीआरपी अने इवन सूरत सिटी पोलीसनी मददथी टीमवर्कथी 48 कलाकमां आ गुनो अमे मूळ आरोपीओ मूळ व्हीकल साथे पकड़ी पाड़ेल छे। कुल चार आरोपीओ पकड़ायेल छे, ए तमामे तमाम यूपीना रहेवासीओ छे। एमां बे आरोपीओ आशीष रामदेव पांडे अने अजय कुमार पांडे ए काका भत्रीजा छे। आशीष रामदेव पांडे जे मेन आरोपी छे आ बनावनो, ए अगाउ आपणा दहेजमां काम करतो हतो एटले भरूचना सिटी विस्तारमांथी पूरी रीते वाकेफ हतो। आ ज्वेलर शॉपमां अवारनवार पोताना परिवार साथे शॉपिंग करवा जतो हतो अने एने बनावना दिवसे ने आगला दिवसे ए सर्कल उपर पोलीसनी हाजरी ट्राफिकनी केटलो घट होय छे ए तमाम रेकी करी अने ए संदर्भे बपोरना बे वागाना अरસામાં જ્યારે ટ્રાફિક પોલીસ પોઈન્ટ ઉપર નહીં હોય કે જમવા ગયો હોય અથવા ટ્રાફિક ઓછો હોય ત્યારે લોકોની અવરજવર ઓછી હોય ત્યારે ગુનાને અંજામ આપેલ। આ તમામ આરોપીઓનો ગુનાઈત ઇતિહાસની પૂછપરછ કરતા અજય પાંડે જોનપુર જિલ્લા યુપીના જોનપુર જિલ્લામાં હથિયારના ગુનામાં પકડાયેલી હકીકત જણાવે છે, તથા સૂરજ યાદવ અને રિંકુ યાદવ ઉત્તર પ્રદેશના જોનપુર તથા આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ચેઇન સ્નેચિંગ તથા નાની મોટી ચોરીઓમાં પકડાયેલ હોવાની હકીકત જણાવે છે, જે સંદર્ભે અમે વિશેષ તપાસ કરી રહેલ છીએ। સર, નાની મોટી ચોરી કરવાવાળા ચોરોએ આટલા મોટા ગુનાને અંજામ આપી દીધો, અંધાધૂન ફાયરિંગ કરવા સુધીની પરિસ્થિતિ આપને કઈ રીતે જુઓ છો? હા બિલકુલ, જે મુખ્ય આરોપી છે આશીષ પાંડે એ 5-1 લાખના દેવામાં હતો, એ અમારા બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન એની પૂછપરછ દરમિયાન અમને જાણવા મળ્યું। એ દેવામાંથી બહાર આવવા માટે એને પોતાના વતનના આ મિત્રોને બોલાવી અને સુરત ખાતે રહેતા હતા એમને સમજાવી ઉશ્કેરી અને ખૂબ સારો પૈસા મળશે એ રીતે લૂંટનો પ્લાનનો એને અંજામ આપ્યો। સર, ટ્રેનમાંથી આરોપીઓને પકડવું મુસાફરોની મોટી સંખ્યા છે, પોલીસ માટે બી એક પડકાર રહ્યો છે, તો આખું ઓપરેશન કઈ રીતે કરાયું? રેલવે સુરત રેલવે સ્ટેશનથી જ રેલવેના કર્મચારીઓ મારફતે અમને આરોપીનું એક્ઝેક્ટ કયા કોચમાં મુસાફરી કરી રહ્યા છે એ માહિતી મળે, અમારી ટીમો અહીંયા તૈયાર હતી અને ઇવન અંકલેશ્વર સ્ટેશન ખાતે આરપીએફ અને જીઆરપી પોલીસની પણ મદદ લીધેલી, એટલે મોટો પ્રશ્ન ઉદ્ભવેલ નહીં।
સર જે ગુનામાં હથિયાર વપરાય છે એ ક્યાંથી લાવ્યા છે અને અગાઉ પણ કોઈ યુઝ થયા એવું કોઈ માહિતી કરી? તમામ હથિયારો ઉત્તર પ્રદેશથી લાવેલા છે અને આ ગુના મારફતે આપણા રાજ્યમાં આ ગુનાની મદદ આ હથિયારોની મદદથી આપણા રાજ્યમાં કોઈ ગુનો આચરેલ છે કે કેમ એ આગળની તપાસ ચાલે છે.